बिहार की राजनीति में दो बड़े नाम नीतीश कुमार और लालू यादव, साथ में भी काम किया, दूर दूर भी रहे, एक दूसरे पर छींटा कसी भी हुई, अलग अलग भी लड़े, लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश और लालू फिर से साथ हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी ने कुछ दिनों पहले दिए बयान में साफ कर दिया कि जेडीयू के साथ नहीं रहेंगे और न ही उन्हें शामिल करेंगे। नीतीश की जो नजदीकियां बढ़ रही है, क्या लग रहा है इसको लेकर? देखिए, राजनीति कोई बनिया का दुकान तो है नहीं, और वैचारिक राजनीति तो इस देश में रही नहीं। अवसरवादिता की राजनीति है, कुर्सी वोट और सत्ता की राजनीति होती, विचारों की राजनीति नहीं होती। कब कौन किसके साथ, कौन सा गठबंधन किसको उपयुक्त लगेगा, सीट शेयरिंग में कौन कितना बेनिफिट कहाँ रहेगा, जहाँ जितना बेनिफिट सीट शेयरिंग में होगा वहाँ उतना होगा, और वोट का गठबंधन ज़्यादा है बेनिफिट कहाँ है। यदि हम 20 लड़के दो नहीं जीतते हैं कहीं, तो वहाँ 20 लेके क्या करेंगे? यदि 15 लड़ करके यदि 14 जीत जाते हैं तो वहाँ लड़ना चाहेगा लोग? तो क्या ये तो अब ये तय, देखिए अब भीष्म पितामह का जो दुर्योधन कुनबा है, जिसको कपड़ा पहनने का भी लूर नहीं है, घर घर में चलने और जीने का तो लूर है नहीं, पूरा का पूरा कुनवा पूरा भीष्म पिता को मारने में लगा हुआ, इतना अहंकारी तो दुनिया में मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को। औकात से फाजिल बोलना, लालू यादव को जीते जी मारना, लालू यादव चाहता कुछ है, लालू यादव अब औपचारिक नीतीश कुमार ने बातचीत की, नीतीश कुमार से ऑपरेशन हुआ बातचीत की, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के बारे में, कभी राहुल गांधी के बारे में। क्या लालू नीतीश की दूरियां कम हो सकती है? क्या वे फिर एक हो सकते हैं? इसी के जवाब में सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि फायदे के लिए लोग कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कुनबे का दुर्योधन खेमा अपनी औकात से ज्यादा बोलता है और जीते जी लालू यादव को मार रहा है।